क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है,
पता चलती है किसकी वजह से, दिमाग की वजह से। ठीक है, अब कैसे देखो आंखें हमारी, हम देखते हैं चीजों को, देखते हैं तभी हमारा जो ब्रेन है वो चीजों के बारे में अंदाजा लगाता है कि क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। नोज है हमारी, सूंघते हैं तो उससे अच्छा या बुरा महसूस होता है, दिमाग तक संदेश जाता है। और मैंने आपको पहले भी कभी समझाया हो या आपको जैसे दूसरे बच्चों को समझाया हो कि कई बार ऐसा होता है कि हमने आग पे हाथ रखा छोड़ देते हैं, मैं मेरा सुन है ना, आग पे हाथ रखा कुछ टाइम बाद हम इसको ऐसे हटा देते हैं, क्योंकि कनेक्शन होता है हमारे सभी सारी पार्ट का, दिमाग का कनेक्शन होता है। तो दिमाग से जैसे ही मतलब हमने ऐसे हाथ लगा के रखा और हमें दर्द महसूस हुआ तो हमारे स्किन से होते हुए जो संदेश है वो दिमाग तक जाएगा कि अगर हमने नहीं हटाया हाथ को तो हर्ट हो सकता है। ऐसे हम रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है आगे से, तो ऐसा तो नहीं कि हम सीधे सीधे चलते चले जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे दिमाग तक संदेश जाएगा, आंखों से देखेंगे हम, महसूस करेंगे कि भाई अगर चलते रहे रोड पे ऐसे तो एक्सीडेंट अच्छा हो जाएगा। तो दिमाग से फिर संदेश क्या आएगा कि हमें वहां से हट जाना है, साइड से होके चलिए। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन बॉडी के सभी पार्ट्स का दिमाग से होता है, राइट। दिमाग से फिर हमें संदेश मिलता है कि क्या अब करना है, समझ रहे हो। तो इट सेंड्स मैसेजेस टू द डिफरेंट पार्ट्स टेलिंग देम व्हाट टू डू। अब बॉडी के हर पार्ट से संदेश दिमाग तक जाता है और फिर दिमाग आपको संदेश देता है कि अब आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में पड़ा हुआ है गोबर गोबर पड़ा हुआ है, तब आप क्या करोगे, क्या गोबर में पैर रखे जाओगे, ऐसा हो सकता है कि आपकी नजर ऊपर है गोबर में पैर डालोगे, है ना, वो अलग चीज है। लेकिन अगर शिट पड़ा हुआ है तो आपका दिमाग आपको क्या संदेश देगा, नहीं भाई अगर आप इसके अंदर पैर रखोगे तो पैर अंदर ही पैर चलते, तो आपको कैसे चलना है, आपको साइड से चलना है, राइट। तो ऐसी चीजें, ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, है ना, जो आपको मतलब एक संदेश दिमाग से मिलते हैं, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से दिमाग तक जाता है संदेश और फिर दिमाग से वापिस संदेश मिलता है कि अब क्या करना है, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई शीट पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा आपको बदबू आई तो आप क्या करते हैं, नोज को ऐसे बंद कर लेते हैं, है ना, ये संदेश कहाँ से आया, दिमाग से आया, नोज से होते हुए ब्रेन तक गया, है ना, ये भी स्मेलिंग पावर होती है, सेंस ऑफ द स्मेल से होते हैं, है ना, तो आप नोज को बंद कर लेते हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज साउंड होता है, आवाज होती है, आपके कान बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आप ऐसे कर लेते हो, वो संदेश कहाँ से आता है कि हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो कान है वो उस शोर से बच जाएंगे, वो संदेश भी आपको ब्रेन से ही आता है कि ब्रेन है ना। तो कहने का मतलब कि बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से, हर पार्ट से दिमाग तक संदेश जाता है और फिर दिमाग वापस संदेश देता है कि अब तुम्हें क्या करना है, नहीं आगे देखिए। Nerves
काटा चुभता है, कुछ भी चुभता है पैर को, तो आप तो पहले इस पैर को उठाएंगे ऐसे करके वहां से उठाएंगे ना। उठाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जो भी चुभा है आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं। तो ये पता कैसे चला, ये संदेश आपके दिमाग से ही आ गया। हाँ, स्पेशल सेल्स दैट कैन बी क्वाइट लॉन्ग। अब कह रहे हैं कि जो नर्व्स होती हैं वो विशेष तरह के सेल्स होते हैं जो कि काफी लंबे होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती है नर्व्स। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द ब्रेन, तो ये बॉडी के हर पार्ट से होते हुए कनेक्ट होती है ब्रेन से दिमाग से। दे लेट द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेजेस और इंफॉर्मेशन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, और ये जो नर्व्स होती हैं इन्हीं के थ्रू जो दिमाग है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है कि आसपास क्या हुआ है, और साथ ही साथ बॉडी के हर पार्ट को ये बताता है कि अब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल काटा चुभा तो हमें समझ जाएगा कि पैर को ऐसे हटाना है। इसी तरीके से अगर आपने बर्फ पे हाथ रखा है कुछ टाइम बाद आपको ऐसे करके हटा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नर्व्स होंगी आपके जो हैंड से होते हैं जो नर्व्स जा रहे हैं ब्रेन तक संदेश जाएगा, और उसके बाद फिर ब्रेन से नर्व के थ्रू संदेश जाएगा कि अब हाथ को हटाना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा ठंड से आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो जस्ट लाइक कंप्यूटर आवर माइंड सोर्स आउट द इंफॉर्मेशन एंड टेल्स मी व्हाट टू डू विद इट। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कंप्यूटर होता है ऐसे ही हमारा दिमाग भी होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है और हमें बताता है कि अब क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम भी कहते हैं व्हाट आर नर्व्स, व्हाट आर नर्व्स, नर्व्स क्या होती है। इज द ब्रेन कंप्यूटर, बड़ी मुश्किल आ गई मम्मी, क्या जो हमारा ब्रेन है जो हमारा दिमाग है आपने कहा कंप्यूटर, क्योंकि मम्मी कंप्यूटर पे काम कर रही थी तो उन्होंने कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया, तो कहती है कि क्या हमारा जो दिमाग है वो कंप्यूटर है। अब मम्मी क्या जवाब देती है, द कंप्यूटर इज रैदर लाइक आवर ब्रेन, कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक तरीके से ब्रेन की तरह ही होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू या कैसे भी, वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, जैसे हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, स्टोर कर लेता है, चीजें हम याद रख पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कंप्यूटर भी है, इट हैज अ मेमोरी एंड इट कैन लर्न टू डू न्यू थिंग्स। कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा दिमाग होता है इसके अंदर मेमोरी होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है, और ये भी नई चीजें जो है उससे हम कर सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, हाफ है, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों में डिफरेंस है ब्रेन में और कंप्यूटर में। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, व्हाट्स दैट मॉम, बड़ी पूछते हैं कि क्या डिफरेंस कहती है। तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम जानते हो कि तुम यहाँ पर हो, बता रहे हो। अ कंप्यूटर इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ, लेकिन जो कंप्यूटर है उसको नहीं पता। कहने का मतलब है कंप्यूटर वो क्या है, वो निर्जीव है, एक ऑब्जेक्ट है निर्जीव, उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है ना, फीलिंग्स नहीं है कंप्यूटर के। You can dream and imagine anything. तो सपने देख सकती हो, तुम चीजों को इमेजिन कर सकती हो, अनुमान लगा सकती हो, तुम सोच सकती हो चीजों के बारे में। You can do anything.
तो आप लोगों को क्या कभी मार पड़ गई, डांट पड़ गई तो आप लोगों को क्या लगता है, तो आप महसूस करते हो, है ना? पर कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। यू कैन बी सैड, हैप्पी, एंग्री और अपसेट। तुम उदास होती हो, तुम खुश होती हो, तुम गुस्सा भी होती हो, कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है, है ना? बट अ कंप्यूटर के मोशन लेकिन जो कंप्यूटर है वो चीजों को महसूस नहीं कर सकता। सो यू सी द ह्यूमन ब्रेन इज अ वंडरफुल थिंग। तो इसीलिए तुम देखो कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे वंडरफुल, आश्चर्यजनक या सुंदर चीज कह सकते हैं। अब सॉरी, यहाँ पर जब चीजों के बारे में जानती है तो हमें को थैंक यू करके धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मॉम, नाउ आई हैव टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट। धन्यवाद आपका जो इतनी सारी जानकारी आपने दी ब्रेन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। अब मुझे कुछ बहुत जरूरी करना है, ठीक है? आई हैव टू टेल काना ऑल अबाउट माई वंडरफुल ब्रेन। देखिए, मुझे सारी चीजें ना जो आपने मुझे बताई है मेरे दिमाग के बारे में, कि मेरा दिमाग कितना अच्छा है, कितना आश्चर्यजनक है, इतनी सारी चीजें हैं ऐसी दिमाग के बारे में, सारी चीजें मैं बताऊंगी काना को। वैसे ही कहना है कि हमारे पास दिमाग ही है, मेरे पास इतना अच्छा दिमाग है, इसको मैं बताऊंगी इसके बारे में। व्हाट्स दैट, हम अभी पूछते कि क्या बताओगे तुम, है ना? तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपने क्या सीखा, क्या सीखा? दिमाग कितना महत्वपूर्ण है ना। दिमाग कहते नहीं कि भाई तो दिमाग से बड़ा अच्छा है, उसका दिमाग बड़ा अच्छा काम करता है, तो उसकी वैल्यू भी आना ही है ना, जल्दी चीजों को सीखता है।